नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया। कई दिनों से फरार चल रहे भोजपुरी सिंगर समर सिंह को आखिरकार वाराणसी के कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक फरार समर सिंह को कल गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। एक्ट्रेस की माँ ने अपनी बेटी के केस में समर सिंह को जिम्मेदार बताया है। हालांकि अभी भी संजय सिंह की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। संजय सिंह का भी कोई अता पता नहीं लग पाया है। वहीं दूसरी ओर अब आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। जी आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि समर सिंह ने आकांक्षा की अश्लील वीडियो बनाए थे। इस बात की पूरी जो पुष्टि है वो यहाँ पर आकांक्षा दुबे की मां की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि जहाँ एक ओर पुलिस समर सिंह से पूछताछ कर रही है, समर सिंह को एक बार फिर से वाराणसी लाए जाने की कोशिश की जा रही है, लगातार तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं इसी ओर अब मधु दुबे ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। मधु दुबे ने कहा है कि समर सिंह ने उनकी बेटी के अश्लील वीडियो बनाए और फिर वो आकांक्षा दुबे को ब्लैकमेल कर रहा था। आखिरकार ब्लैकमेलिंग की वजह क्या थी और किस तरह से आकांक्षा दुबे को ब्लैकमेल किया जा रहा था, अब इसे लेकर भी आपके जो सवाल है उनके जवाब दे देते हैं। तो आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे की मां ने कहा है कि समरजीत ने उनकी बेटी को अपने प्रभाव में लेकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और उसके आपत्तिजनक वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। मधु दुबे ने कहा, वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करके वो उसके साथ गुलाम की तरह व्यवहार करता। याचिका में आगे कहा गया है कि समर सिंह ने कई वीडियो में उसके साथ काम करवाया लेकिन पैसे नहीं दिए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब एक और बड़ा अपडेट जो सामने आ रहा है वो ये है कि सारनाथ थाने से इस केस के स्टेटस रिपोर्ट में तलब किया गया है और इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 अप्रैल को होगी। तो देखना ये होगा कि आखिरकार तब तक पुलिस समर सिंह से क्या कुछ सच्चाई उगलवा पाती है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।